नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान मौसम विभाग की सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। बीते कुछ दिनों में प्री मानसून के कारण राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में आपको कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य तो कुछ स्थानों पर मध्य से भारी बारिश देखने को मिली। साथ ही दोस्तों, यहां पर कुछ स्थानों पर तेज आंधी और तूफान के साथ वज्रपात भी देखने को मिला। ज्यादातर स्थानों पर आपको तेज आंधियों की रफ्तार कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तो दोस्तों कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिली। प्री मानसून ने भी संपूर्ण राजस्थान के ज्यादातर स्थानों को अच्छा खासा भिगोवा और कुछ स्थानों पर बारिश की अच्छी बौछारें देखने को मिली। दोस्तों, अब इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी पूर्वी जिलों में राजस्थान में मानसून के आगमन के कारण अब आपको जल्द ही कुछ ही दिनों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आगामी कितने दिनों बाद मानसून से आपको राजस्थान के संपूर्ण जिलों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के जिलों में मानसून कब तक पहुँचने वाला है और दोस्तों आगामी दिनों में किन किन जिलों में अच्छी खासी बारिश के आसार हैं। दोस्तों, अगर मानसून की बात करें तो मानसून अब धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर अपनी गति पकड़ रहा है। देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहे मानसून ने राजस्थान में भी विधिवत रूप से प्रवेश ले लिया है। इस बार मानसून ने राजस्थान में आने के अपने नियत समय से करीब एक सप्ताह पहले प्रवेश किया है। मानसून के आगाज पर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर फुहारें देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार मानसून विधिवत रूप से प्रदेश में प्रवेश कर गया है। मानसून ने प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और बारा में प्रवेश किया है। हालांकि दोस्तों, अगर मानसून की बात करें तो इससे कुछ स्थानों पर आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली, लेकिन आगामी 4 से 5 दिनों बाद आपको अच्छी खासी बारिश देखने को अवश्य मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर इन जिलों की बात करें तो आगामी 8 से 10 दिनों में इन जिलों में भी मानसून का असर देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, करौली और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर मौसम की बात करें तो मौसम यहां पर साफ, खुशमिजाज और सुहावना रहने का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आगामी 48 से 72 घंटों में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, हम आपको प्रत्येक जिले के बारे में अवगत कराएंगे कि आगामी 24 से 48 और दोस्तों 48 से 72 घंटों में किन किन जिलों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको प्रत्येक जिले के बारे में अवगत कराएंगे कि किस जिले का मौसम किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 19 जून 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून की अगर हम बात करें तो दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, पाली, टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़ इन जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको तेज हवाएँ चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। इसके कारण दोस्तों यहां पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर आपको हल्की से मध्य बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें हम यहां पर बारा, कोटा, झालावाड़, बूंदी इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर आपको हल्की से मध्य बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, बीकानेर इन जिलों की बात करें तो दोस्तों यहां पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर इन जिलों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया है और हल्के फुल्के बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, यहां पर कुछ स्थानों पर आपको तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर इन जिलों की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको आगामी कुछ ही घंटों में
हल्के फुल्के बादल अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर छिटपुट बारिश का अनुमान भी जताया गया है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं 20 जून 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो दोस्तों 20 जून 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो यहां पर भी भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके कारण आपको संपूर्ण राजस्थान के जिलों में हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही देखने को अवश्य मिलेगी। अब दोस्तों हम आपको प्रत्येक जिले वाइज बताएंगे कि किस जिले में किस प्रकार की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया गया है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की, अरावली पर्वतमाला के अकॉर्डिंग राजस्थान को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं तो ये पूर्वी राजस्थान है और दोस्तों यह पश्चिमी राजस्थान है। तो दोस्तों अगर पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली और सिरोही, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर हवाओं की स्पीड की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम पूर्वी राजस्थान के जिलों की बात करें तो दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में आपको हल्की से मध्य बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहां पर भी हवाओं की जो स्पीड की बात करें तो यहां पर 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर आपको आगामी 24 से 48 और दोस्तों 48 से 72 घंटों में ज़्यादातर जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्य बारिश आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों की, तो दोस्तों इनमें कुछ स्थानों पर आपको अच्छी खासी बारिश देखने को जरूर मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से बताई जा रही है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको मौसम विभाग की एकदम सही और सटीक जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में जैसे ही मानसून की एंट्री होने वाली है तो सबसे पहले हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे और मानसून से सर्वाधिक बरसात किन जिलों में होगी और दोस्तों किन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना जताई गई है, संपूर्ण न्यूज़ हम आपको आगामी वीडियोज़ में देते रहेंगे।